एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जैसे श्याम, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हों। फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी लोगों के कढ़ी पकौड़े का रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी प्याज वाले कढ़ी पकौड़े। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखिए मेरी बेटी को और इसे ना क्या बोला जाता है, प्रदीप मिश्रा का वचन भजन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी बेटा नहीं, बेटा बोलेगा मम्मी मेरे को कार्टून देखना है, लेकिन काव्या क्या बोलेगी, नहीं मैं मुझे भजन सुनना है। तो ये बहुत सारा भजन याद भी करती है प्रदीप मिश्रा जी, गाते हैं बहुत सारा भजन याद होती है। तभी मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी सुनाऊंगी, देखिए आप लोगों को सिखा भी देगी बहुत सारा। आता है ना बेटा तुमको, आता है ना? जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री श्याम बोल दी। क्या बोल दी बेटू? मम्मा को मिट्टी दे दे तो बेटा। एक काव्या भजन सुना रही है आप सब लोग। अरे एक सुना काव्या, ये वाला कि चले के काशी सुना दो बेटा। नहीं सुनाई तो चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। सुना और काव्या फिर से बोल रही है सुनाने के लिए। कौन सा भजन बोला बेटा? कान्हा जी को श्याम बाबा का स्तुति ये सब याद है, उसका अलग है अपना हनुमान चालीसा, श्याम बाबा का स्तुति, ओम भुवसो। ओम भुवसो तो काव्या को भी याद है ना काव्या? बट काव्या प्रदीप मिश्रा का सुनती है ना प्रवचन और भजन, तो इसको प्रदीप मिश्रा का भजन बहुत सारा याद है, बहुत सारा। मैं कभी आप लोगों को सुनवाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या की, एक बॉल ले ली और एक कप ले ली, जिसे मैं मेजर करके दो कप चने की दाल और एक कप मैं यहाँ पे मूंग का दाल ले रही हूँ। क्योंकि हमारे बच्चे लोग दाल खाते नहीं ऐसे, तो मैं सोची इसी बहाने वो खा लेंगे और हेल्दी भी हो जाएगा उनके लिए। फिर मैं यहाँ पे पानी डाल करके इसे दो घंटे के लिए ढक करके छोड़ दी फूलने के लिए, क्योंकि दो घंटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं दो घंटे के बाद इसे देख ली, ये अच्छे से फूल गए थे। तो फिर मैं इसे क्या की, अच्छे से पानी से वॉश कर ली, दो तीन पानी से मैं इसे अच्छे से वॉश कर ली। और जब ये अच्छे से वॉश हो गया तो फिर मैं इसे क्या की, एक मिक्सर के जार में पलट दी और मैं इसका अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसको अच्छे से पेस्ट तैयार करना है, थोड़ा हल्का दरदरा नहीं रहना चाहिए। फिर मैं इसमें तीन चार लहसुन की कलियाँ, दो हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा डाल दी और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से रेडी हो गया है। फिर मैं इसे क्या करूँगी कि एक बाउल में पलट लूँगी और फिर उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले तो ऐड करना नहीं है, सिर्फ आधा चम्मच मैं यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ, स्वाद के अनुसार यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें आधा चम्मच के करीब गर्म मसाला ऐड की और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दी। और उसके बाद फिर इन सबको अच्छे से चला के मैं यहाँ पे दो मीडियम साइज का प्याज ली थी, जिसे मैं अच्छे से चॉप कर ली थी, उसे भी मैं इसमें अच्छे से डाल दे रही हूँ और इन सबको मैं अच्छे से मिला ली। उसके बाद फिर मैं क्या कि गैस पे एक पैन चढ़ाई और उसमें मैं ऑयल डाल दी। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गए तो फिर मैं इसमें क्या की कि धीरे धीरे करके सारे पकौड़े को मैं इसमें डाल दी और फिर इन सबको अच्छे से मैं क्या की तल ली। इधर हमारा पकौड़ा जब तल रहा था अच्छे से, तो उसके बाद फिर मैं क्या की कि जो बचा हुआ पेस्ट था हमारा, उसे भी मैं फिर से बाउल में पलट ली। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक कटोरी फ्रेश दही ले रही हूँ। ये हमारा फ्रेश ज़्यादा खट्टा नहीं है और ज़्यादा मतलब मीठा भी नहीं है,
तो फिर उसको भी मैं उसमें मिक्स कर दी, और इधर मैं रुक रुक कर बीच बीच में पकौड़े को भी चला ले रही थी ताकि ये जल ना जाए। उसके बाद मैं एक प्लेट पे टिश्यू पेपर बिछा ली और उसमें फिर मैं क्या की सारे पकौड़े के निकाल के रखूँगी। यहाँ पे मैं जो पेस्ट और दही मिक्स करके रखी थी उसमें मैं क्या की एक गिलास पानी डाल दी और इन सबको अच्छे से मैं फेंट ली। और इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद इधर हमारा पकौड़ा तल गया था अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल रेड कलर का। तो फिर मैं इसे क्या कि एक प्लेट में निकाल ली, सारे पकौड़े को मैं अच्छे से निकाल ली। और ये देखिए पकौड़ा मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है और बीच से भी ये गुठली नहीं है। फिर मैं वापस से गैस पे एक पैन चढ़ाई जिसमें मैं 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दी। ऑयल कढ़ी में ज़्यादा नहीं लगता है। फिर मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा हींग, और फिर मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब काला वाला राई डाली हूँ, 2 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता और 4-5 कढ़ी पत्ते मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और इन सबको मैं अच्छे से बस 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए चटकने दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर ली थी जिसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका भी घोल बना ली और इसे भी मैं डाल दी। और इसे भी 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छे से कर देना है। उसके बाद फिर मैं इसमें जो घोल तैयार की थी वो इसमें डाल दी और इन सबको फिर मैं अच्छे से चला ले रही हूँ। इन सबको ना अच्छे से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जो दही है ना वो फट भी जाता है। तो फिर यहाँ पे हम इसे अच्छे से चला रहे थे और फिर हमारे कान्हा जी का डिमांड आया, चूँकि प्याज वाले पकौड़े आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो मैं बच्चे लोग को कुछ पकौड़े सॉस के साथ टमाटो केचप के साथ दे दी और इन लोग बच्चे लोग अपना खाएंगे, अपना टीवी देखेंगे। और उसके बाद फिर इधर हमारा ये अच्छे से हो गया था, पूरा एकदम गाढ़ा हो गया था। तो फिर मैं इसमें सारे मिक्सर के जार ये सब धो करके मैं इसमें पानी डाल दी। जब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसमें क्या की कि जो पकौड़े तल करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दी और इसे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से चला ली। और फिर मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दी। नमक ये ध्यान से डालना है, आप पकौड़े में भी डाले थे इसलिए नमक को ध्यान से डालना है। और फिर इसे 10 से 12 मिनट तक पका लेना। उसके बाद फिर मैं गैस को क्या की बंद कर दी और उसके बाद फिर मैं ऊपर से इसमें तड़का लगा दी। तो मैं यहाँ पे तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच ऑयल ली थी, उसमें मैं 1/2 चम्मच ये काला वाला राई ले ली थी और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले ली थी और 1 सूखा लाल मिर्च ले ली थी। इन सबको मैं अच्छे से इसमें डाल करके तड़का लगा दी और फिर मैं क्या की ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी। फिर ये देखिए कैसा है मेरा पकौड़े वाले प्याज पकौड़े वाले कढ़ी। और फिर मैं इसे जो दही वाले कटोरा था ना उसमें मैं फिर इसमें इसे सर्व। कैसा लगा मेरा प्याज वाले कढ़ी पकौड़े का रेसिपी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया हो तो एक बार जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।